guys, welcome back to my channel. If you are new into my channel, please click the subscribe button and click the bell icon so that you get my notification directly. तो दोस्तों आज मेरे पास है गियर शिफ्टर सॉक्स जो अपन गाड़ी के बाइक के गियर शिफ्ट के ऊपर लगाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरा दो शूज़ था, फोर शूज़, वो पूरा एकदम ख़राब हो गया। पूरा गियर शिफ्टिंग करके पूरा उसका स्टेन जो है उसके ऊपर आ गया, तो दोनों शूज़ अब पूरा ख़राब हो चुका है। तो आपका अगर बाइक शूज़ है तो फिर पूछना ही मत, पूरा एकदम वो जहाँ अपन लेफ्ट से जो गियर शिफ्टिंग करते हैं वहाँ जहाँ पे पूरा ब्लैक एकदम काला रंग पूरा चिपक जाएगा। आप लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस होगा शायद कुछ लोगों को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक गियर शिफ्टर शॉप खरीद के मैं गियर अपाची के गियर शिफ्ट के ऊपर लगा दूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा अनबॉक्सिंग और रिव्यू टाइप का वीडियो दिखाने वाला हूँ गियर शिफ्ट शॉप्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। यही है गियर शिफ्ट सॉक्स जो अपन गियर शिफ्टर के ऊपर पहनाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशन और कंपनी के नाम देखते हैं। फिट्स फॉर स्पोर्ट्स बाइक स्ट्रीट डॉट शिफ्टर्स फॉर कावासाकी होंडा सुजुकी यामाहा। ये चारों नाम ही दिए गए क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए इंटरनेशनल बाइक के ब्रांड के नाम दिए हैं। ऐसा नहीं है पूरा सभी इंडियन बाइक्स में आराम से फिट हो जाएगा, जैसे स्प्लेंडर हो, पैशन हो, अपाची, पल्सर, जो भी हो आराम से फिट हो जाएगा, कोई डर नहीं है इसके। इधर लिखा है डोंट राइड डर्टी, परफेक्ट योर शूज़ फ्रॉम शिफ्टर डैमेज। तो इसका कंपनी और स्पेसिफिकेशन पूरा देखते हैं। मैं यही बात कर रहा था जो आप अगर आपका ऐसा वाइट शूज़ है तो पूरा ऐसा ब्लैक कलर मार्क आ जाएगा। तो सोल्यूशन भी, तो अगर आपको ये स्पेसिफिकेशन पढ़ना है तो आप वीडियो पोस्ट करके पूरा पढ़ सकते हो। ये आके US कंपनी है मगर उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुआ। आप पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हो स्पेसिफिकेशन। तो अपन जल्दी से निकालते हैं और देखते हैं। तो यह है गियर शिफ्ट सॉक्स, पूरा एकदम रबर का मेड है, फ्लेक्सिबल, जैसे रबर बैंड रहता है ऐसे ही पूरा फ्लेक्सिबल है, पूरा एकदम कितना फ्लेक्सिबल है। तो इससे क्या होता है कि एकदम आपका जब आप गियर शिफ्ट करेगा तो वो रगड़ना बंद हो जाएगा, आपका शू और गियर शिफ्ट के बीच में वो फ्रिक्शन बंद हो जाएगा इस रबर से। एकदम स्मूथ रबर है, आपको बहुत काम आएगा। छोटी सी चीज़ें हैं मगर आपके डेली लाइफ में बहुत यूज हो रहा है। ग्रिप भी दिए हैं क्योंकि अगर जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो आपके पायर स्लिप ना हो गियर शिफ्टर से, तो इसलिए ग्रिप्स दोनों साइड में दिए हैं। तो अपन जल्दी से जल्दी जाके इंस्टॉल कर देंगे। आपको पूरा इंस्टॉलेशन कैसा करना है मैं वहाँ बता देता हूँ। तो जल्दी जाते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। तो गाइस मेरे पास है रॉयल एनफील्ड बुलेट क्लासिक, तो इसमें मैं गियर शिफ्ट का लगाने वाला हूँ। तो पहले आप इसमें थोड़ा ऑयल लगाना है, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आपको एक ही चीज़ करना है, ये अंदर घुसा देना है ऐसा ट्विस्ट करके। अगर आपका गियर शिफ्ट का नोड थोड़ा बड़ा है तो आप ऑयल लगा के ऐसा घुमा सकते हो तो आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा फिटिंग हो चुका है।
तो आप आराम से गियर शॉपिंग कर सकते हो, आपका बूट्स को कोई भी खराब भी नहीं होगा, एक प्रोटेक्शन जैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आराम से आप गियर शॉपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपका शूज़ जो है यहाँ से ख़राब नहीं होगा, कोई मार्क ब्लैक मार्क्स कुछ भी नहीं होगा, पूरा प्रोटेक्शन ये कर देगा। तो गैस मैंने ये अमेजोन से लिया था, तो मुझे एक्सपास तो 190 रुपीज़ लगा था अमेजोन से। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दे देना, और आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।